फर्स्ट क्लास में प्लाज्मा मीडियम के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है उसके बारे में पढ़ा था। साथ में ही जो प्लाज्मा माध्यम है उसके अंदर मैक्सवेल की समीकरण क्या होती है, मैक्सवेल की समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे उसको भी हमने लिख लिया था। जो कंडक्टिविटी हमने निकाली थी सिग्मा की वैल्यू वो क्या है, सिग्मा बराबर आयोटा एन नॉट ई अपॉन एम ओमेगा आई थी आपके लोगों के इसके अंदर फ्रिक्वेंसी इसकी, ठीक है। और इसी फ्रिक्वेंसी सॉरी कंडक्टिविटी, इसी कंडक्टिविटी के आधार के ऊपर हमने जो प्लाज्मा माध्यम है उस प्लाज्मा माध्यम के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर नेगेटिव आवेश होंगे उतने के उतने उसमें पॉजिटिव आवेश होते हैं, उस वजह से जो प्लाज्मा माध्यम होता है उसकी चार्ज डेंसिटी जो होती है उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। और इस आधार के ऊपर हमने जो चार इक्वेशन निकाली थी मैक्सवेल की वो क्या थी, डेल डॉट डी वेक्टर बराबर जीरो या फिर डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर जीरो। दूसरी समीकरण हमने निकाली थी डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो या फिर डेल वेक्टर डॉट एच वेक्टर बराबर जीरो। थर्ड इक्वेशन डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर माइनस के म्यू नॉट डेल ऑफ एच वेक्टर बाय डेल ऑफ पी। थर्ड इक्वेशन के बाद फोर्थ इक्वेशन थी डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर बाय डेल ऑफ टी, ठीक है। ये चार समीकरण हमने कल यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आज इन चार समीकरण के आगे की तरफ बढ़ते हुए हम ये निकालेंगे कि इन चारों समीकरण के आधार के ऊपर जो प्लाज्मा माध्यम है उसके अंदर एक तो तरंग संचरण नियतांक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा इस तरंग की वेलोसिटी क्या होती है या फिर इस माध्यम के अंदर उसकी वेलोसिटी और तरंग संचरण नियतांक के बीच में क्या रिलेशन होगा, दूसरा इसका सॉल्यूशन है उसका किस प्रकार से यूज करेंगे तरंग संचरण नियतांक को ज्ञात करने के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट तीन माध्यम में हमने किया था कि थर्ड और फोर्थ काम क्या करते थे, कर लेते थे, वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे थर्ड और फोर्थ काम क्या लेंगे, कर लेंगे पहले। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर तीन का क्या लेंगे, ये पांच थी ये सॉरी चार थी ये पांच ये छह और ये सात, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स का कर्ल लेने पर, क्योंकि इससे पहले हमने तीन इक्वेशन कल की क्लास में पढ़ी थी, एक तो कौन सी कंडक्टिविटी निकाली थी सिग्मा वो वाली इक्वेशन, उससे पहले हमने जो दो इक्वेशन और सॉल्व की थी एक वेलोसिटी के लिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को प्रदर्शित किया था उनको भी हमने नंबर दिया था इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री, तो उस आधार के ऊपर इसके नंबर चार पांच छह और सात हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर छह का क्या लेंगे, कर लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर क्रॉस माइनस के म्यू नॉट ऑफ डेल एच वेक्टर बाय डेल ऑफ टी। डेल वेक्टर क्वेश्चन डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ई वेक्टर बराबर माइनस के म्यू नॉट डेल बाय डेल टी क्वेश्चन में डेल वेक्टर क्रॉस, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ तथा इक्वेशन नंबर सेवन से क्या लग देंगे इसके अंदर मान रखेंगे, इक्वेशन नंबर फोर एंड सेवन से क्या रखने पर मान रखने, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। ये क्या आ जाएगा, माइनस के डेल स्क्वायर ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के म्यू नॉट पोस्टर में क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल ऑफ ई वेक्टर बाय डेल टी प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट नॉट डेल स्क्वायर ई वेक्टर बाय डेल टी स्क्वायर, माइनस से माइनस गया तो यहां से डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस म्यू नॉट सिग्मा डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ ई वेक्टर
डेल स्क्वायर ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल स्क्वायर माइनस के म्यू नॉट सिग्मा डेल बाय डेल टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर कोष्ठक में बाहर क्या आ जाएगा ई वेक्टर बराबर। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपके आठ नंबर। अब आप ऐसे क्या करोगे, जैसे हमने इक्वेशन नंबर सिक्स का कर्ल लिया था उसी प्रकार से अगर हम इक्वेशन नंबर सेवन का कर्ल लेंगे तो सेवन का कर्ल लेके उसको भी किसकी तरह इक्वेशन नंबर सिक्स की तरह सॉल्व करेंगे तो हमें कैसी ऐसी की ऐसी इक्वेशन किसके लिए भी मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए मिल जाएगी। तो अब इसमें आगे क्या करना है, इसी प्रकार क्या करना है इक्वेशन नंबर सेवन का कर्ल लेकर हल करने पर हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट सिग्मा डेल बाय डेल टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर एच वेक्टर बराबर जीरो। दोनों ही माध्यम जैसे कि हमने इससे पहले वाला चालक माध्यम पढ़ा था और अभी हम प्लाज्मा माध्यम पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या है कंडक्टिविटी आ रही है। कंडक्टिविटी आने की वजह से इन दोनों ही माध्यम आप देख रहे हो कि जब हम क्या निकाले विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण निकाल रहे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब इक्वेशन निकालते हैं तो दोनों में आप देखोगे कि एक एक टर्म क्या आ जाती है इन दोनों में एक्स्ट्रा आ रही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों ही माध्यम में, मतलब स्टार्टिंग वाले दो मीडियम और लास्ट वाले दो मीडियम पढ़ रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस कौन सा है, सिर्फ एक इस इक्वेशन का डिफरेंस है। स्टार्टिंग के जो मुक्त आकाश वाला माध्यम पढ़ा था और हमने कौन सा पढ़ा था अचालक माध्यम, तो उनमें आप देखोगे तो ये वाली टर्म मिसिंग थी, उसके अंदर इस टर्म का कोई यूज नहीं था क्योंकि उस कंडीशन में कंडक्टिविटी का मान क्या हो रहा था जीरो हो रहा था, या फिर मुक्त आकाश में तो यूज ही नहीं हो रही थी लेकिन अचालक माध्यम में तो उसका मान जीरो था, इस वजह से ये टर्म्स उसमें नहीं आ रही थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लास्ट वाले दो, एक तो चालक माध्यम और दूसरा कौन सा आपके प्लाज्मा मीडियम के अंदर चालकता के कारण क्या आ जाती है एक एक्स्ट्रा टर्म आती है। अब देखिए कि अगर हम इक्वेशन नंबर एट तथा इक्वेशन नंबर नाइन क्या करें, इक्वेशन नंबर एट तथा नाइन के हल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करें, इसमें ई वेक्टर किसके बराबर आ जाए मी नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस k ओमेगा और h वेक्टर बराबर h नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस k ओमेगा। ठीक है ना, अब एक तो इसके ऊपर कौन सा 10 नंबर तो 11 नंबर। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ये दो इक्वेशन है e वेक्टर बराबर e नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, ये दोनों की दोनों इक्वेशन है ना, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आपके हर जगह पे यूज होगी। जैसे ही आगे आप उड़ोगे ये इस बुक की मूलभूत समीकरण से इसी के आधार के पूरी 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 क्या है ईडी डिपेंडेंट है, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 10 के मान को हम कौन से समीकरण में रख दे, इक्वेशन नंबर 8 में रख दे, क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 10 से मान किस में रखेंगे, मान इक्वेशन नंबर 8 में रखने से डेल स्क्वायर माइनस के म्यू नोट सिग्मा डेल बाय डेल टी माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी बराबर जीरो। ठीक, अब आप करोगे डेल स्क्वायर के साथ डेल संकारक
किसके रूप में, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के रूप में होगा। तो यहाँ पर जब आप पोजीशन के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है के पास में जो आपके कौन सा वेव कांस्टेंट वाला, इन दोनों के सापेक्ष क्या होगा इस वाले टर्म्स का अवकलन होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो टर्म्स आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आपके आएगी आयोटा ए का होल स्क्वायर माइनस, अब टी के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा माइनस म्यू नॉट सिग्मा कोष्टक में आयोटा माइनस का आयोटा ओमेगा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर कोष्टक में क्या आ जाएगा पी नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा बस जीरो। यहां से माइनस के स्क्वायर प्लस म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आगे आयोटा प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर ई वेक्टर बराबर जीरो। अब यहां पे देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस के वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ इतना सा है कि आप देखोगे तो ये दो टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, एक तो ये जो कि अवकलन वाली टर्म्स है उनके कारण आई है और दूसरी कौन सी टर्म है एक और मल्टीप्लिकेशन के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की टर्म है। कोई भी माध्यम है उसके अंदर अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग इंसिडेंट हो रही है तो उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मान जीरो नहीं होता। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन के अंदर आपके क्या होगा ई वेक्टर का मान तो क्या नहीं होगा, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जब ई वेक्टर का मान जीरो के बराबर नहीं है तो इसमें कौन सी टर्म जीरो है जिसके वजह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर आ रहा है। उस कंडीशन में ओनली फॉर एक ये जो फर्स्ट टर्म है जिसका मल्टीप्लिकेशन ई वेक्टर के बराबर हो रहा है से हो रहा है उसका मान किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी माइनस के स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, ठीक है ये आ गई। अब इस टर्म में से क्या ले लो, इस इक्वेशन में से आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर को आप क्या कर लो इसमें से कॉमन ले लो, कुछ भी नहीं किया उधर की तरफ ट्रांसफर किया, यहाँ पे पहले से माइनस का साइन था तो इस वजह से सामने वाले टर्म्स के ऊपर का माइनस का साइन वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से जो के स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर वन प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा के बराबर। अब इसके अंदर हम क्या कर लें, इक्वेशन नंबर तीन से हम इसके अंदर मान रख दें, किस नंबर से इक्वेशन नंबर तीन से मान रखने पर किसका सिग्मा का, सिग्मा बराबर क्या था आयोटा एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा था। तो यहां से मान रखेंगे इस इक्वेशन में तो उस कंडीशन में आप के की वैल्यू कैसी आ जाएगी आप लोगों के इमेजरी ना होगी इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी। प्लाज्मा माध्यम में हमेशा ध्यान रखना जो तरंग संचरण नियतांक है के स्क्वायर का मान वो पॉजिटिव मतलब आप रियल वैल्यू होती है ना कि इमेजिनरी वैल्यू होती है, लेकिन उसके बाद में भी इसका उपयोग जो है इस प्लाज्मा माध्यम में दो कंडीशन और आती है जो दो केस और आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस वैल्यू उस कंडीशन के अंदर क्या होता है इस के स्क्वायर की वैल्यू या इस तरंग संचरण नियतांक की दो वैल्यू होती है, एक तो रियल वैल्यू के रूप में इसका यूज किया जाता है और एक इमेजिनरी वैल्यू के रूप में इसका यूज किया जाता है, वो हम कंडीशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप सिग्मा का मान रखोगे तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर वन माइनस एन नॉट ई स्क्वायर एम एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो इस इक्वेशन के अंदर एक चीज ये कि जो म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट है वो किसके बराबर होता है, 1/c² के। ये हमने मुक्त आकाश के अंदर पढ़ा था, मुक्त आकाश वाला माध्यम था, उसमें हमने जब तरंग संचरण, कोई भी तरंग विद्युत चुंबक की तरंग है उसकी समीकरण का हमने क्या किया था, किसी सामान्य तरंग की गति की समीकरण से हमने क्या किया था, कंपेरिजन किया था। तब जो वेलोसिटी मिली थी वो किसके बराबर मिली थी, प्रकाश के वेग के बराबर मिली थी। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 1/μ0ε0। तो यहाँ पे उसका, यहाँ पे सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, μ0ε0। तो ये इक्वेशन। और दूसरी चीज आप देखो कि जो ये वाली फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर के सिवाय की जो टर्म होती है यहाँ पे, ये ओमेगा पी ऑल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाता है, एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर, इसको तो आप क्या दे दोगे, अब देखिए इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 + 1 - ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये आपके समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 12। और इसको इक्वेशन नंबर अलग अलग 13। ये जो है ये क्या कहलाती है, प्लाज्मा आवृत्ति। बालक विद्युत चुंबक की तरंग जिस माध्यम के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उस माध्यम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ओमेगा पी स्क्वायर बराबर एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, उसके बराबर होती है। ये आप लोगों को ये इक्वेशन, ये टर्म जो है ये याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी टर्म के ऊपर जो ये ओमेगा पी स्क्वायर है उसके ऊपर एक एग्जाम्पल है जो आपके काफी बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है लेकिन और भी अदर कंपिटिशन एग्जाम है, जैसे कि आपके जेम का पेपर हो गया, उसके ऊपर भी इस फॉर्मूले के ऊपर भी डायरेक्ट 2 बार एक क्वेश्चन जो आपके आपके बुक के अंदर भी एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, 2 बार सीधा वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 - ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर के रूप में टर्म वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए ये तो क्या है, तरंग संचरणीयतांक जो कि हम किससे निकाल रहे हैं, वो हम डायरेक्टली जो हमने इस माध्यम के अंदर विद्युत चुंबक की तरंगों की समीकरण थी उससे निकाल लिया, ठीक है। दूसरी चीज कि जो के वेक्टर या तरंग संचरणीयतांक है उसका किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबक की तरंग जब गमन करती है या फिर विद्युत चुंबक की तरंग जब किसी माध्यम के ऊपर इंसिडेंट होती है तो पारगमन उस माध्यम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उस तरंग की जो वेलोसिटी होती है उसके साथ में एक रिलेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है तरंग संचरणीयतांक का, क्योंकि के वेक्टर बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन वी। अगर मान लो कि माध्यम कैसा मुक्त आकाश के रूप में होता था तो उस कंडीशन में के वेक्टर किसके बराबर आता था, ओमेगा अपॉन सी के बराबर आता था, पर यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, डायरेक्ट इसका परिमाण या रिजल्टेंट के रूप में वैल्यू ले रहे हैं, तो के बराबर ओमेगा अपॉन वी। अगर मुक्त आकाश है तो के बराबर क्या होता था, ओमेगा अपॉन सी होता था, परंतु यहाँ पे माध्यम के अंदर जब विद्युत चुंबक की तरंग घुस रही है किसी अन्य माध्यम के अंदर या पारगमित हो रही है तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर न रखे उसके अंदर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो उस वजह से हम के बराबर क्या लिखते थे, ओमेगा अपॉन वी लिखते थे। और अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग या कोई भी प्रकाश की किरण, आप ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हो कि कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में गमन करती है तो उस माध्यम में गमन करती है तो उसके उस माध्यम के अपवर्तनांक तथा उस विद्युत चुंबक की तरंग या कोई भी प्रकाश की किरण है उसकी वेलोसिटी के मध्य एक रिलेशन होता है। तो आपने जो अपवर्तनांक तथा इसके बीच में प्रकाश वेग के बीच में एक रिलेशन पड़ा होगा, वेग में संबंध जो होता है वो क्या होता है, v बराबर c अपॉन n के रूप में पड़ा होगा। यहाँ पे v बराबर क्या आ गया, c अपॉन n आ गया। अब इस v की वैल्यू को आपको किस में रखना है, इसमें रखना है, यहाँ पे जो ये n है ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब आप k के अंदर v की जगह पे आप क्या रखोगे, c अपॉन n को रखोगे तो यहां पे k बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा n अपॉन c आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा n अपॉन c आया। अब इसका क्या करें, जैसे ये k स्क्वायर है वैसे ही वैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से जो ये तरंग
सर नेता के वो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ये आ गया के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 13 है, सॉरी 14, इस इक्वेशन नंबर 14 तथा इस इक्वेशन नंबर 12 का आपस में हम कंपेरिजन करेंगे तो उस कंडीशन में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अपवर्तनांक की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें अपवर्तनांक की वैल्यू मिल जाएगी प्लाज्मा माध्यम के लिए तो उसकी सहायता से, उस अपवर्तनांक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा माध्यम में जो विद्युत चुंबकीय तरंग गमन कर रही है, प्लाज्मा माध्यम में जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग गमन कर रही है उसकी वेलोसिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है अब क्या करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 13, तो इक्वेशन नंबर 14 तथा 12 का क्या करने का, इक्वेशन नंबर 12 एंड इक्वेशन नंबर 14 से एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सी स्क्वायर से ओमेगा सी स्क्वायर गया तो यहां से एन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या फिर एन बराबर क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये आपके क्या बनगे इक्वेशन नंबर 15 बन गई, ठीक है ना, जिसमें आप देख रहे हो जो इक्वेशन नंबर 15 है उसमें क्या है कि माध्यम के अपवर्तनांक तथा किस किस के बीच में, माध्यम के अपवर्तनांक तथा आपतित होने वाली तरंग की जो आवृत्ति है और साथ ही साथ में जो प्लाज्मा माध्यम है उसकी फ्रिक्वेंसी, इन तीनों के बीच में क्या है रिलेशन प्रदर्शित किया जा रहा है। अगर हम प्लाज्मा माध्यम की जो अपवर्तनांक है उसका मान अगर हम ज्ञात कर ले तो उस कंडीशन में हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस माध्यम में जो विद्युत चुंबकीय तरंग गमन कर रही है उस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो वेलोसिटी कितनी कम हो रही है या फिर वो वेलोसिटी प्रकाश की वेग से कितनी घट रही है, वो भी हमें कहां से पता चल जाएगा, इस अपवर्तनांक की सहायता से पता चल जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन नंबर 15 है वो किस किस के बीच में, इक्वेशन नंबर 15 माध्यम, इक्वेशन नंबर 15 माध्यम कौन सा है, प्लाज्मा या आयनीकृत गैस के माध्यम में किसके लिए, माध्यम के लिए अपवर्तनांक, माध्यम के लिए अपवर्तनांक तथा आपतित तरंग की आवृत्ति के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है अब देखिए इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है जो आप लोगों को जनरल लाइफ में आप मैं बता देता हूं कि जो कि प्लाज्मा माध्यम है, अब इसके लिए जो जो कंडीशन है वो इसी इक्वेशन से निकलेगी, एक तो इस इक्वेशन से और दूसरी जो है वो आपके कौन सी के स्क्वायर बराबर क्या था ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे तो भी आप के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एन का मान क्या है 1 माइनस के ओमेगा पी का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से ही आप लोगों को ये जो कि आप सैटेलाइट्स देखते हो या फिर टीवी के ऊपर जो भी आप देख रहे हो प्रोग्राम वगैरह देख रहे हो वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसी माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे देखो उसका रिलेशन कैसे है वो भी इसके अंदर से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे कि मान लो कि ये एक अर्थ जिसके ऊपर हम रहेंगे और इसके चारों ओर ये माध्यम जो होता है ये माध्यम कौन सा होता है आयनीकृत गैसों का माध्यम कह सकते हैं, या फिर हम इसको कौन सा माध्यम बोल सकते हैं प्लाज्मा माध्यम भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा या फिर कौन सा माध्यम होता है आयनीकृत माध्यम, ठीक है ना। इस प्लाज्मा माध्यम अर्थ के चारों ओर क्या होता है कुछ दूरी के ऊपर, कुछ दूरी मतलब अपन ने लिए जो कुछ दूरी है वो नहीं, ये दूरी तो बहुत अधिक होती है परंतु
यहाँ पे ये दूरी जो है ये अर्थ की सन से दूरी की तुलना में बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा माध्यम है और यहाँ से ये मान लो कि जो सूर्य है सन, उससे आने वाली किरणें क्या हो रही है हमारे पास में आ रही है, किसके पास, हमारे पास में जो विजिबल लाइट है, विजिबल वेव्स है या विजिबल रेस है। और दूसरी चीज आप इस प्लाज्मा माध्यम को देखोगे तो आप लोग जो सैटेलाइट्स वगैरह देखते हो, कोई भी सैटेलाइट्स है जो अपने यहाँ से पृथ्वी से छोड़ी जाती है और बाहर ऊपर आकाश के ऊपर छोड़ी जाती है तो या फिर ब्रह्मांड में जाती है, तो हमेशा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है वो कौन से माध्यम के अंदर लगाती है, वो हमेशा इस प्लाज्मा माध्यम के अंदर ही पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। कोई भी सैटेलाइट या फिर कोई भी अगर विमान छोड़ा जाता है तो वो विमान हमेशा कौन से माध्यम है, इस आयनीकृत गैसों के माध्यम या फिर प्लाज्मा माध्यम में चक्कर लगाता रहता है। और जब हम आप जो भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखते हो या फिर न्यूज देखते हो वो सब क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जो अर्थ से रेडियो वेव छोड़ी जाती है वो रेडियो वेव क्या होती है वापिस इस प्लाज्मा माध्यम के से क्या होती है रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ पे आती है, अर्थ के ऊपर आती है। तो हम क्या देख पाते हैं, कोई भी न्यूज चैनल के ऊपर आप समाचार देख पाते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो, उसका क्या कारण है, ये अर्थ के से जो अर्थ से जो जाने वाली रेडियो वेव है वो क्या है इस प्लाज्मा माध्यम के अंदर उपस्थित सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ पे आ जाती है, वापस अर्थ में आ जाती है। इसका कारण क्या होता है वो अभी पता चल जाएगा अभी जो हम दो केस पढ़ेंगे रेडियो वेव उससे, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग चीज है, रेडियो वेव और दूसरा सन से आने वाली विजिबल लाइट्स या विजिबल वेव्स होती है, इन दोनों का ही क्या है दो अलग अलग केस में यूज होता है। जो अर्थ से आने वाली विजिबल वेव्स होती है वो किसके रूप में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है, और यहाँ पे ये रेडियो वेव भी है वो भी क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, पर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या है कुछ डिफरेंस होता है। उसी फ्रिक्वेंसी के कारण एक लाइट तो क्या होती है, एक तरंग तो क्या होती है इस प्लाज्मा माध्यम को पार करके कहाँ पे चली जाती है, अर्थ के पास चली जाती है, लेकिन दूसरी तरंग की फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं होती कि वो प्लाज्मा माध्यम की फ्रिक्वेंसी को क्या कर सके पार करके वहां से बाहर जा सके, इस वजह से दूसरी तरंग क्या हो जाती है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो अब इसके अंदर है जो आपके दो केस है, एक तो केस नंबर वन, केस नंबर वन के अंदर आप देखोगे जब हम क्या करते हैं एक उच्च आवर्ती क्षेत्र जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, मतलब एक उच्च आवर्ती की कोई भी तरंग है उसको अगर हम आपतित करें किसके ऊपर, किसी भी मीडियम या प्लाज्मा माध्यम के ऊपर आपतित करें जिसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा मान, क्योंकि उच्च आवर्ती क्षेत्र से मतलब यह है कि जो आपतित कर रहे हो विद्युत चुंबक की तरंग उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है प्लाज्मा माध्यम से अधिक हो जाए। तो जब उच्च आवर्ती की क्षेत्र की तरंग के लिए प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे आपतित होने वाली किरण से कम होती है, उस कंडीशन में क्या होगा अपवर्तनांक n का मान क्या हो जाता है पॉजिटिव। जब अपवर्तनांक n का मान पॉजिटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में k स्क्वायर बराबर क्या होता है n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये भी क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। जब ये भी पॉजिटिव अपवर्तनांक भी पॉजिटिव और k स्क्वायर की भी पॉजिटिव तो उस कंडीशन में क्या होता है तरंग का अवमंदन नहीं होता है, तरंग का क्या नहीं होगा अवमंदन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने देखो जैसे चालक माध्यम में पढ़ा था हमने कैसी वैल्यू आ रही थी, k की वैल्यू इमेजिनरी आ रही थी, k बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ रही थी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा k बराबर क्या था उस माध्यम में अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जब अल्फा प्लस आयोटा बीटा वैल्यू आ रही थी उस कंडीशन में आप देख रहे थे कि जो हम टर्म्स ले रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगों का सॉल्यूशन ले रहे थे एक उसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या हो रही थी एक्स ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस के बीटा आर जो कि इमेजिनरी टर्म्स के कारण आ रही थी, और उस वजह से विद्युत चुंबकीय तरंग की जो एम्पलीट्यूड था उसका मान क्या हो रहा था घट रहा था, तो उस वजह से उसमें क्या हो रहा था जो आपतित होने वाली किरण थी वो पारगमन के दौरान अपने आयाम को कम कर रही थी। परंतु यहाँ पे जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी का आपतित होने वाली तरंग की फ्रीक्वेंसी को आपने देख लिया कि उसका मान क्या है प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी से अधिक है, इस माध्यम की इसका फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा पी है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है
वो क्या है इससे अधिक हो गई, तो उस कंडीशन में तरंग का अपवर्तनांक पॉजिटिव आ जाएगा, तरंग का अपवर्तनांक पॉजिटिव आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तरंग संचरण नियतांक भी पॉजिटिव होगा। तरंग संचरण नियतांक पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में तरंग का अवमंदन कभी भी नहीं होगा, ये आप लोगों को इसके में ध्यान रखना है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कौन सी फ्रिक्वेंसी के लिए माध्यम प्लाज्मा माध्यम से तरंग क्या है पार हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना सा एक लाइन में आंसर देना है कि उच्च आवर्ती क्षेत्र वाली तरंग होगी उसके लिए हमेशा प्लाज्मा माध्यम से तरंग का अवमंदन कभी भी नहीं होता विद्युत चुंबकीय तरंग का। आपको दोनों एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, बड़े क्वेश्चन में तो आपको दोनों ही कंडीशन बतानी पड़ेगी, लेकिन एक नंबर में पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा पी, तो उस कंडीशन में विद्युत चुंबकीय तरंग का कभी भी अवमंदन नहीं होता, ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब दूसरी कंडीशन जो है आपकी, इसमें ध्यान रखना है तरंग जो है वो क्या करती है स्वतंत्र रूप से संचरण करती है, अभी 2 मिनट है तो हो जाएगा वो भी देखिए। अब देखिए एक सेकंड कंडीशन क्या है, एक सेकंड जब हम कैसे निम्न आवर्ती क्षेत्र जिसमें ओमेगा इज क्या है वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी की वेव को अगर हम क्या कर रहे हैं प्लाज्मा माध्यम के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर एन का मान क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो एन का मान नेगेटिव तो के बराबर क्या है एन ओमेगा अपॉन सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा, मतलब के का मान भी क्या आ जाएगा नेगेटिव कह सकते हो या फिर कैसी वैल्यू आ जाती है इमेजिनरी। जब तरंग संचरण नियतांक की वैल्यू इमेजिनरी आती है तो उस कंडीशन में आपको मालूम हो तो हमने इससे पहले चालक माध्यम में भी देखा था कि जब तरंग संचरण नियतांक की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है तो उस कंडीशन में हमेशा ही तरंग का क्या होता है अवमंदन होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस केस में तरंग का क्या होगा अवमंदन होता है, ठीक है ना, ये आप लोगों को इस दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है। अब इसके आगे का जो भी है हम वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।